माय ब्यूटीफुल ऑडियंस दिस इज मी खान रानी वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट आइसोबार्स। ये जो टर्म है आइसोबार्स, ये इतना ईजिली आपका पीछा छोड़ने वाली तो है नहीं ये नाइन्थ में भी आपको पढ़नी है टेंथ में भी आप पढ़ोगे अलेवेंथ में भी आप पढ़ोगे और ट्वेल्थ में भी आप पढ़ोगे प्लीज वीडियो को एंड तक देखना बहुत हेल्पफुल होने वाली है सो लेट्स बिगेन द वीडियो बिफोर मूविंग टू हेड्स टिफरेंसेस कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं स्टूडेंट सी स्टूडेंट अगर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट होते हैं तो वो सेम टाइप ऑफ एटम से बने होंगे ठीक है अगर सेम टाइप ऑफ एटम से वो बने हैं तो सेम नंबर ऑफ प्रोटोन उनका होगा मतलब सेम एटॉमिक नंबर होगा चलिए ये बात को जानते हैं सी ऑक्सीजन क्या है एक एलिमेंट है है ना ये ऑक्सीजन के दो आइटम से कंबाइन होकर के एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है ओके okay. तो ऑक्सीजन एलिमेंट बनेगा स्टूडेंट ऑक्सीजन के ही एटम से सपोज़ करो अगर नाइट्रोजन क्या है एक एलिमेंट है ठीक है नाइट्रोजन एलिमेंट मुझे बनाना है तो वो नाइट्रोजन के ही एटम से बनेगा फ्लोरीन एक एलिमेंट है फ्लोरीन मुझे बनाना है तो वो फ्लोरीन के ही एटम से बनेगा ऐसा नहीं होगा कि फ्लोरीन को मुझे बनाना है फ्लोरीन एलिमेंट को तो वो ऑक्सीजन के एटम से बन जाएगा ऐसा नहीं होगा जिनके एलिमेंट होंगे वो खुद के ही एटम से बनते हैं इसलिए सेम टाइप ऑफ एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम से बनते हैं अब देख लो सेम टाइप ऑफ एटम है मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटोन होगा जैसे ऑक्सीजन एलिमेंट बनता है ऑक्सीजन के दो एटम से ओके तो इस ऑक्सीजन एटम का जो प्रोटोन की संख्या होती है स्टूडेंट नंबर ऑफ़ प्रोटोन की संख्या सपोज कर लो एट है ठीक है तो दूसरे ऑक्सीजन एटम की भी नंबर ऑफ प्रोटोन की संख्या एट ही होगी ऐसा नहीं है कि एक ऑक्सीजन के एटम की नंबर ऑफ़ प्रोटोन ऐट होगी और दूसरे ऑक्सीजन एटम की नंबर ऑफ़ प्रोटोन टेन होगी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमने पढ़ा है एटॉमिक नंबर में स्टूडेंट कि एटॉमिक नंबर हर एक एटम का बहुत यूनिक होता है मतलब अगर ऑक्सीजन का टॉमिक नंबर एट है तो इस वर्ल्ड में कोई भी एक ऐसा एटम नहीं है जिसका टॉमिक नंबर एट होगा मतलब ये टैली नहीं करेगा सेम कभी किसी का टॉमिक नंबर हो ही नहीं सकता ओके ऑक्सीजन एटम का टॉमिक नंबर एट है तो दुनिया में जितने भी अदर ऑक्सीजन एटम है उनका टॉमिक नंबर एट ही होता है सपोज़ कर लो जैसे आपकी क्लास में स्टूडेंट हैं ठीक है ठीके? एक न एक नाम के स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं जैसे सपोज़ कर लो श्याम श्याम नाम का कोई लड़का आपके क्लास में है तो श्याम नाम के लड़के और भी हो सकते हैं इसलिए टीचर ने आपको रोल नंबर दे दिया कि भाई साहब रोल नंबर से आपको कैटेगराइज करेंगे सबका रोल नंबर यूनिक है अब ऐसा तो नहीं है क्लास में जिसको रोल नंबर वन मिला तो रोल नंबर वन भी किसी और बच्चे का हो ऐसा नहीं है वन रोल नंबर तो एक ही बच्चे का होगा सिमिलरली स्टूडेंट एटम के दुनिया में भी एटॉमिक नंबर होता है जो जिसे हम नंबर ऑफ़ प्रोटोन कहते हैं वो बहुत यूनिक होता है और इसी और इसी यूनिकनेस के वजह से स्टूडेंट प्रियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है एलिमेंट्स को एक स्पेसिफिक प्लेस मिली है आप क्लास टेंथ में जब जाओगे केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है प्रोडक्ट टेबल में आपको पढ़ने को मिलेगा सी कुछ इस टाइप से होती हैं प्रोडक्ट टेबल बहुत कलरफुल होती हैं सी जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के एलिमेंट हाइड्रोजन के एटम से ही बनते हैं ये ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के एलिमेंट ऑक्सीजन के आइटम से ही बनते हैं ठीक है ऑक्सीजन का प्रोटोन नंबर क्या होता है एट होता है है ना तो हमने प्रोडिक टेबल में ऑक्सीजन को एट्थ पोजीशन दे दिया मतलब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट को पोजीशन मिलता है प्रोडिक टेबल में ठीक है एथ पोजिशन ऑक्सीजन को दे दिया अब देख लो यहाँ पर और भी किसी अदर एलिमेंट का एट्थ पोजिशन नहीं होगा मतलब नंबर ऑफ प्रोटोन एट नहीं होंगे ये पॉसिबल ही नहीं है स्टूडेंट ठीक है सबके रोल नंबर यूनिक होते हैं मतलब सबके नंबर ऑफ़ प्रोटोन यूनिक होंगे ऑक्सीजन का टॉमिक नंबर एट होता है मतलब नंबर ऑफ प्रोटोन एट होते हैं इसलिए ऑक्सीजन को एट्थ पोजिशन पर टेबल में रखा गया है स्टूडेंट सो अब ऑक्सीजन के जितने भी एटम होंगे होंगे स्टूडेंट वो सब एटम के पास नंबर ऑफ प्रोटोन एट ही होगा क्योंकि एटम तो एक नहीं होता बहुत सारे एटम होते हैं है ना तो उनके पास नंबर ऑफ़ प्रोटोन एट ही होगा तो ऑक्सीजन एलिमेंट से हम पता कर सकते हैं कि अच्छा इनका नंबर ऑफ़ प्रोटोन एट है है ना और इनके अकॉर्डिंग इनको पोजीशन मिला है प्रोडिक टेबल पर तो मैंने क्या कहा स्टूडेंट कि सेम टाइप ऑफ एलिमेंट है सेम टाइप ऑफ ऐटम्स ही बनते हैं सेम टाइप ऑफ एटम है मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटोन होगा मतलब ऑक्सीजन का अगर एक ऑक्सीजन का एटम के पास आठ प्रोटोन है तो दुनिया में जितने भी ऑक्सीजन के आइटम हैं सभी के पास आठ प्रोटोन होगा है ना सेम नंबर ऑफ़ प्रोटोन और इसी नंबर ऑफ प्रोटोन के अकॉर्डिंग टेबल में उन्हें जगह मिलती है सेम प्लेस मिलती है है ना चलिए कुछ और बेसिक नॉलेज के बारे में जानते हैं एक बात जान लो स्टूडेंट एटम का केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है नंबर ऑफ़ प्रोटोन बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ एटम का केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है नंबर ऑफ प्रोटोन हाउ सी किसी भी न्यूट्रल एटम में जितना प्रोटोन की संख्या होती है उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ऑल नो दैट है ना और इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में प्रोटोन का कोई रोल नहीं होता है ये भी हमने पढ़ रखा है प्रोटोन का रोल होगा डोंट वरी एलेवंथ में जब आप पढ़ोगे उसमें तो प्रोटोन का रोल होता है एक्चुअली न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोटोन का रोल होता है ठीक है लेकिन केमिकल रिएक्शन क्लास टेन तक आपको केमिकल रिएक्शन पढ़नी है उसमें इलेक्ट्रॉन का रोल होता है ठीक है ये एटम का स्ट्रक्चर है ये बीच में न्यूक्लियस है है ना और ये ऑर्बिट है ग्रीन कलर का जिन जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं दिस इज द इलेक्ट्रॉन दिस इज़ द न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं है ना तो एटम में केमिकल रिएक्शन कैसे होती है स्टूडेंट इस एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ऑटरमोस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन उठ करके दूसरे एटम में चला जाए या दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन ये खुद में गेन कर ले क्या खुद का इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले मतलब हरकत होगी इलेक्ट्रॉन को लेकर एक्टिविटी कुछ इलेक्ट्रॉन करेंगे ठीक है तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की हरकत की केमिकल रिएक्शन हो गया तो हमने ये जाना कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे एटम के ऑटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है ना तो जितना प्रोटॉन की संख्या होगी उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी इलेक्ट्रॉन की संख्या कौन दे कौन डिसाइड करता है प्रोटॉन डिसाइड करता है किसी भी न्यूट्रल एटम में इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटम डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ प्रोटोन आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी नाउ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटम डिपेंड्स ऑन मास ऑफ एटम एटम का जितना मास है मास डिसाइड करता है किसी भी एटम का फिजिकल प्रॉपर्टी और मास ऑफ एटम क्या होता है वी ऑल नो दैट प्रोटोन नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ना तो ये था स्टूडेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन चलिए अब डिफ्रेंसेस के बारे में डील करते हैं नाउ स्टूडेंट आइसोटोप्स सी दीज आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट आइसोटोप्स हम उन्हीं को कहते हैं जिनके सेम एलिमेंट सेम एटम से बने होते हैं है ना सेम एलिमेंट हैं सेम एटम से बने हैं तो सेम एटॉमिक नंबर होगा अभी मैंने डिस्कस किया सेम एटॉमिक नंबर होगा मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटोन होगा ऑब्वियसली है ना सेम नंबर ऑफ़ प्रोटोन होगा तो टेबल में इन्हें सेम जगह मिलती है सेम प्लेस मिलती है है ना इसलिए आइसो मतलब सेम टॉप्स मतलब प्लेस ठीक है मैंने जो अभी ये डिस्कस किया स्टूडेंट सेम टाइप ऑफ एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम सेम नंबर ऑफ प्रोटोन सेम प्लेस इन टेबल तो वो था हमारा बेसिक नॉलेज उनके अकॉर्डिंग हम बहुत ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स है ना सिम एटॉमिक नंबर हो गया अब आइसोटोप्स का बिल्कुल अपोजिट होता है आइसोबर आइसोपर क्या होंगे ये कहते हैं भाई साहब हम तो वो एलिमेंट हैं जो अलग अलग एलिमेंट से बने होते हैं अब डिफरेंट एलिमेंट है तो डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट ऐटम से बने होंगे सपोज आर्गन को आप ले लो आर्गन के एलिमेंट आर्गन के आइटम से बने होंगे कैल्शियम के एलिमेंट कैल्शियम के आइटम से बने होंगे पोटेशियम के एलिमेंट पोटेशियम के आइटम से बने होंगे सो so, दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट एटम से बने होते हैं अब इनकी अलग अलग एटम होगी तो अलग अलग एटॉमिक नंबर होगा मतलब इनका अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटोन होगा है ना सी आइसोटोप्स डिफरेंट मास नंबर इनका डिफरेंट मास नंबर होता है स्टूडेंट सी मास नंबर किसे कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये थीन डिफरेंसेस से स्टूडेंट पूरा आइसोटोप्स एंड आइसोबार क्लियर होने वाली है और भी चीज़ें इन्हीं थ्री डिफरेंसेस से ड्राइव होती हैं सी तो नंबर ऑफ प्रोटोन तो सबका सेम है क्योंकि सेम एलिमेंट है सेम है अटोमिक नंबर है है ना तो नंबर ऑफ प्रोटोन तो सेम होगा लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सबका डिफरेंट होगा इसलिए शायद हमें डिफरेंट मास नंबर मिल रहा है तो गेम चेंजर कौन है स्टूडेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ओके आइसोबार्स में क्या होते हैं आइसोटोप्स के अपोजिट इनके सेम मास नंबर होंगे मतलब ये है स्टूडेंट कि आपके प्रोटोन की संख्या चाहे कुछ भी हो क्योंकि डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो जाएगा ना क्योंकि अलग अलग एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटम से बने होंगे ठीक है तो नंबर ऑफ प्रोटोन तो आपका अलग होगा ऑब्वियसली ठीक है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी आपका अलग हो डेंट मैटर लेकिन जब हम दोनों को समअप करते हैं जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा मास नंबर सेम आना चाहिए ठीक है ये आइसोबार्स के एलिमेंट्स होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सी आइसोबार्स आर्गन पोटेशियम कैल्शियम ठीक है आर्गन के एलिमेंट आर्गन के आइटम से बने होंगे पोटेशियम के एलिमेंट पोटेशियम के आटम से बने होंगे कैल्शियम के एलिमेंट कैल्शियम के आटम तो से बने होंगे ठीक है तो डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट एटम से बने हैं ठीक है डिफरेंट एटॉमिक नंबर भी है इनका ओके डिफरेंट एटॉमिक नंबर भी है क्योंकि हमने पढ़ा है कि सिम्बॉल के जो लोअर लेफ़्ट साइड होते हैं उन उसमें हम स्टूडेंट नंबर ऑफ़ प्रोटोन लिखते हैं जिसे हम अटोमिक नंबर कहते हैं ठीक है तो इनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर भी है मतलब डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटोन है लेकिन भाई साहब इनका मास नंबर सबका सेम है देखो ना आर्गन का भी फोर्टी है पोटेशियम का भी फोर्टी कैल्शियम का ही फोर्टी है तो मास नंबर सेम हुए चलिए अब आइसोटॉप्स के बारे में समझते हैं सी जैसे कैल्शियम ठीक है ये भी कैल्शियम है ये भी कैल्शियम है तो दोनों सेम टाइप ऑफ एटम से बने हैं इसलिए दोनों सेम एलिमेंट है सेम एलिमेंट है सेम टाइप ऑफ एटम से बने हैं इसलिए नंबर ऑफ प्रोटोन भी सेम है देख लो ना दोनों का सेवनटीन सेवनटीन है प्रोटोन की संख्या है ना लेकिन मास नंबर डिफर कर रहा है एक का थर्टी है एक का थर्टी है और हमें पता है स्टूडेंट कि मास नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं सॉरी न्यूट्रॉन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं सी कैल्शियम के प्रोटोन सेवेंटीन है इस कैल्शियम के ही प्रोटोन सेवनटीन है क्योंकि दोनों सेम एलिमेंट से बना है ठीक है एक के मास नंबर थर्टी फाइव है दूसरे के मास नंबर थर्टी सेवन है तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करना है तो हमने क्या किया मास नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया नंबर ऑफ प्रोटोन से ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में तो थर्टी फाइव इज सब्ट्रैक्टेड बाई सेवेंटीन इज इक्वल टू एटीन एंड थर्टी सेवन इज सबाक्टेड बाई सेवेंटीन इज इक्वल टू ट्वेंटी मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटोन था इसलिए हमें डिफरेंट मास नंबर मिला है स्टूडेंट चलिए अपने आंसर को क्रॉस चेक कर लेते हैं है ना अब हमें पता करना है कि मास नंबर थर्टी सेवन जो है वो सही है या नहीं मतलब मेरा जो नंबर ऑफ न्यूट्रोन निकला है वो सही है या नहीं तो हम क्या करेंगे प्रोटोन और न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे अगर हमें थर्टी सेवन मिलता है मतलब ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमने सही फाइंड आउट किया तो सेवनटीन प्लस एटीन इज टू थर्टी फाइव हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन करेक्ट है ऐसे हम क्रॉस चेक करते हैं स्टूडेंट तो हमने ये जाना है स्टूडेंट कि नंबर ऑफ प्रोटोन इज़ अ गेम चेंजर इन आइसोटोप्स ओके नंबर ऑफ प्रोटोन सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज द गेम चेंजर इन द आइसोटोप्स नंबर ऑफ प्रोटोन सेम होंगे लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर कर रहा है इसलिए मास नंबर डिफरेंट है आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी ना आइसोटॉप्स में स्टूडेंट सेम केमिकल एलिमेंट है है ना सेम केमिकल एलिमेंट है अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया ना क्लोरीन क्लोरीन का सेम केमिकल एलिमेंट है बट इन डिफरेंट फॉर्म ये दोनों के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं लेकिन सेम केमिकल आइसोबार्स में क्या है ये तो डिफरेंट केमिकल एलिमेंट ही हैं जैसे देखो आर्गन पोटेशियम कैल्शियम आर द आइसोबार्स ऑफ ईच अदर ये अलग अलग केमिकल एलिमेंट है है ना सी सेवंथ डिफ्रेंसेस आइसोटोप्स में नंबर ऑफ़ प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं हमें पता है आइसोटोप्स के नंबर ऑफ़ प्रोटोन ऑलवेज सेम होते हैं और किसी भी न्यूट्रल आइटम में जितनी प्रोटोन की संख्या उतनी होती है उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है इसलिए नंबर ऑफ प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन विल भी सेम लेकिन न्यूट्रॉन इसमें डिफ़र करता है वी ऑल नो दैट अभी बताया मैंने आपको है ना न्यूट्रॉन डिफर करता है तभी तो मास नंबर डिफ्रेंस होते हैं क्योंकि मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सी आइसोबर्स में क्या होते हैं कि चाहे न्यूट्रॉन डिफर करे चाहे प्रोटॉन डिफ़र करे लेकिन जब हम दोनों को समअप करते हैं तो हमारा मास नंबर सेम आना चाहिए सी ऑल न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स आर डिफरेंट बर्ड देयर सम सम आर सेम ओके नाउ आइसोटोप्स के केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगे अभी मैंने आपको क्या बताया किसी भी आइटम का केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है नंबर ऑफ प्रोटोन सी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आइटम डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ प्रोटोन जितना प्रोटोन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में है ना और इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करेगा ठीक है तो इलेक्ट्रॉन को डिसाइड करने वाला कौन है प्रोटोन तो अल्टीमेट प्रोटोन ये डिसाइड करता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटम सिंस ऑल एसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटोन है ना सबका प्रोटोन की संख्या सेम है तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या सेम होगी इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है ठीक है लेकिन आइसोबार में क्या होती है इनके प्रोटोन की संख्या अलग है है ना इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी इनकी डिफरेंट होती है क्यों क्योंकि इनके अलग अलग एलिमेंट होते हैं जैसे आर्गन पोटेशियम कैल्शियम ये तीनों एक दूसरे के आइसोबार्स हैं तो अलग अलग एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट है तो अलग अलग एटम से बने होंगे अलग अलग एटम से बने होंगे तो अलग अलग इनकी नंबर ऑफ़ प्रोटोन होगी अलग अलग नंबर ऑफ़ प्रोटोन है इसलिए इनका अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी है क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोटोन ही डिसाइड करता है केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी एटम की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आइसोटोप्स के डिफरेंट होते हैं कैसे अभी मैंने आपको बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटम कौन डिसाइड करता है मास ऑफ एटम मास ऑफ एटम क्या होता है स्टूडेंट नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रोन तो आइसोटोप्स में हमने क्या पढ़ा कि प्रोटोन की तो संख्या सेम होती है ना लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या डिफर होती है तो न्यूट्रॉन डिफरेंट है तो डिफरेंट मास नंबर डिफरेंट मास नंबर है इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी क्योंकि मास नंबर ही डिसाइड करता है फिजिकल प्रॉपर्टी ओके आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आइसोबार्स में क्या होता है स्टूडेंट कि इनके मास नंबर सेम होते हैं है ना मास नंबर सेम है तो सेम फिज़िकल प्रॉपर्टीज होगी क्यों क्योंकि मास नंबर ही डिसाइड करता है किसी भी आइटम की फिजिकल प्रॉपर्टी सो दिस वॉज द डिफ्रेंस बिटवीन द एसोटोप्स एंड आइसोबार्स आई होप आपको मज़ा आया होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल लाइक माई वीडियो शेयर माई वीडियो एक बात कहूँ अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में टिल देन स्टे सेफ थैंक यू फॉर वॉचिंग गॉड्लेस यू ऑल